नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आम आदमी पर इन दिनों महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों की कीमतों में दिनों दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। अब आम आदमी को एक और महंगाई का झटका लगा है। अब से नया LPG कनेक्शन लेना महंगा हो गया। नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में 750 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है। अब नया LPG कनेक्शन लेने के लिए 2200 रुपए देने होंगे। पहले 1450 रुपए का भुगतान करना होता था। अगर आप दो सिलेंडर के साथ कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 4400 रुपए देने होंगे। पहले 2900 रुपए देने होते थे। गैस रेगुलेटर की कीमत भी बढ़ गई है। ग्राहकों को रेगुलेटर लेने के लिए 250 रुपए का पेमेंट करना होगा। पहले इसके लिए 150 रुपए देने होते थे। कुल मिलाकर महंगाई आम आदमी का पीछा नहीं छोड़ रही है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले हर सामान के दाम बढ़ रहे हैं। अगर आप नया LPG कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा जिसका आप कनेक्शन लेना चाहते हैं। इसके बाद रजिस्टर फॉर LPG कनेक्शन का विकल्प चुनना होगा, जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। फॉर्म में अपना नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म को भरकर सबमिट करने के बाद अब फॉर्म में भरी ईमेल आईडी पर एक ईमेल आएगा। मेल में एक वेरिफिकेशन लिंक होगा जिस पर आपको क्लिक करना है और उसे वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। अप्रूव के बाद फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा। अब आप इस प्रिंट आउट और सभी दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी गैस वितरक एजेंसी के पास जाएं। यहां आपको कनेक्शन के लिए फीस देनी होगी, जिसके बाद नया गैस कनेक्शन दे दिया जाएगा। नए कनेक्शन के लिए आपको पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो लगी बैंक की पासबुक में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।